Hello everyone, so let's have a quick glance on today's newspaper headlines dated on 18th April 2019. So let us start from the front page of The Hindu. Rain, thunderstorm leave over 50 dead in 4 states. 4 states mein barish thunderstorm ki wajah se 50 logon ki death ho gayi. 50 log mare gaye. Unseasonal storm damages crops in Gujarat, Rajasthan. तो unseasonal storm की वजह से crops जो है गुजरात और राजस्थान के वो भी damage हो गए. तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पूरी रात बारिश, thunderstorm और lightning हुई, जिसकी वजह से 50 लोगों की डेथ हो गई. अनसीजनल रेन एंड स्टॉर्म आल्सो कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स इन गुजरात एंड राजस्थान. तो अनसीजनल रेन और स्टॉर्म की वजह से प्रॉपर्टी और क्रॉप्स भी डैमेज हो गए गुजरात और राजस्थान में. राजस्थान विटनेस द मैक्सिमम ऑफ 25 डेथ्स. राजस्थान में मैक्सिमम 25 लोगों की डेथ हो गई और कुछ घर भी गिर गए. फॉलोड बाय मध्य प्रदेश विथ 15 और मध्य प्रदेश में 15 लोगों की डेथ हो गई. वाइल 10 पीपल वर किल्ड इन गुजरात. 10 लोग गुजरात में मारे गए और 3 लोग महाराष्ट्र में. अनसीजनल बारिश हुई थी ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. DGCA टू डू स्पेशल सेफ्टी ऑडिट ऑफ इंडिगो. तो DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विल कंडक्ट ए स्पेशल सेफ्टी ऑडिट ऑफ द लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो. तो DGCA स्पेशल सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करेंगे लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो में. योगी विजिट्स अयोध्या एमिड बैन. BSP कंप्लेंस टू पोल पैनल. चीफ मिनिस्टर वायलेटेड इलेक्शन कमीशन ऑर्डर बेयरिंग हिम फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 72 आवर्स. सो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पे इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया था कि वो 72 आवर्स तक कैंपेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया. पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को भी वायलेट कर दिया. तो अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेते हैं. बरहमपुर सिविक बॉडी टू ट्रेन रैक पिकर्स. तो बरहमपुर के जो रैक पिकर्स हैं, कूड़े उठाने वाले, उन लोगों को ट्रेन किया जा रहा है टू हेल्प देम अर्न मोर इम्प्रूव क्लीनलीनेस इन द सिटी. तो ज़्यादा कमाने के लिए और क्लीनलीनेस इम्प्रूव करने के लिए उस सिटी में. तो बरहमपुर उड़ीसा में है. उड़ीसाज बरहमपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन has started a program to organize and train rag pickers for their emancipation and to improve cleanliness in the city by recycling of plastic waste. तो plastic waste को recycle करके कैसे cleanliness रखे city में, वो training municipal corporation provide कर रही है rag pickers को. The training of the first batch of 36 rag pickers started at the Barhampur Municipal Corporation Conference Hall on Wednesday. As we can see in this picture, rag pickers being trained by Barhampur Municipal Corporation on Wednesday. The rag pickers were handed over safety kits including gloves, mask, apron, caps and shoes. According BEMC Commissioner Chakravarti Singh Rathore, a memorandum of understanding has been signed with a Delhi-based company Gem Enviro Management Private Limited to collect plastic waste through local rag pickers and recycle them. GEM Enviro's
Eastern India Operations Head Vikram Sharma said that the target was to train around 6,000 rag pickers in phases. The company will train them for capacity building over a two-month period. Ravindra Hatti, who was in the first batch, said that he hoped to get a better price for the waste. तो आज फेज टू वोटिंग है कुछ स्टेट्स में. थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू वोट. कुछ चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए वोट देने से पहले. सबसे पहले अगर आप लोगों को अपना नाम चेक करना है वोटर लिस्ट में तो आप इस ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन. फिर विज़िट कर सकते हैं www.nvsp.in पे या SMS कर सकते हैं इस पे 21950. अगर आप लोगों को अपना पोलिंग स्टेशन जानना है नो योर पोलिंग स्टेशन तब भी आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं. नो योर बूथ लेवल ऑफिसर. अगर आप लोगों को अपना बूथ लेवल ऑफिसर के बारे में जानना है तो आप लोग ये 3 steps कर सकते हैं. नो योर कैंडिडेट, यूज़ द वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड विजिट www.nvsp.in. तो ये सब आप चेक कर सकते हैं. टिकटॉक रिमूव्ड फ्रॉम गूगल एप्पल ऐप स्टोर. तो टिकटॉक हट गया है गूगल ऐप और एप्पल ऐप स्टोर से. ये एक चाइनीज ऐप है. तो मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि टिकटॉक ऐप हटा दिया जाए. तो जो टिकटॉक ऐप वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे हटाने से मना कर दिया. अब ये गूगल और एप्पल ऐप स्टोर से हट गया है. आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है तो आप लोग किसी भी मॉन्यूमेंट्स में जा सकते हैं और वो भी फ्री में. आज आप लोगों को कोई पैसे पे नहीं करने होंगे क्योंकि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है. एंट्री टू ऑल सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री वुड बी फ्री ऑफ चार्ज ऑन थर्सडे. अमंग द मॉन्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द ASI रूल्स आर पुराना किला एंड सफदरजंग टोम इन दिल्ली, गोलकोंडा फोर्ट इन हैदराबाद, टीपू सुल्तान्स पैलेस इन बेंगलुरु एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई. फॉर ए फ्री रेफरी, इलेक्शन कमीशन मस्ट बी अनफेलिंगली स्ट्रिक्ट इन इंश्योरिंग ए फेयर इलेक्शन. On Monday, Supreme Court came down heavily on the Election Commission for its lack of initiative in enforcing the law. Monday को Supreme Court ने Election Commission को बहुत सुनाया और कहा कि वो कोई action क्यों नहीं ले रही है against the leaders accused of intemperate speeches from campaigning for varying durations of time. तब इलेक्शन कमीशन ने 4 leaders के अगेंस्ट एक्शन लिया. उन लोगों की कैंपेनिंग 48 या 72 आवर्स के लिए बैन कर दिया कि वो लोग कैंपेनिंग नहीं कर सकते इतने आवर्स तक. तो देखते हैं इनटेम्परेट स्पीचेस क्या थी 4 leaders की. BSP चीफ मायावती, तो मायावती ने कहा मुस्लिम्स टू नॉट डिवाइड देयर वोट्स. मायावती ने मुस्लिम्स को कहा कि अपना वोट डिवाइड मत करना. एंड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ स्पीच इन विच ही कैरेक्टराइज्ड द इलेक्शन एज ए कंटेस्ट बिटवीन अली एंड बजरंगबली. तो ये योगी आदित्यनाथ ने बोला कि इलेक्शन एज ए कंटेस्ट, इलेक्शन एक कंटेस्ट है अली और बजरंगबली के बीच में. इन ए रेफरेंस टू मुस्लिम्स एंड हिंदूज, द इलेक्शन कमीशन परहैप्स वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी. हाउएवर इट नीड्स टू डू मच मोर टू बी सीन एज ए फेयर रेफरी.
For now, Election Commission has managed to redeem that hope to some measure, but not entirely. Article 324 of the Constitution gives the Commission the powers of superintendence, direction and control of election. So, Article 324 of the Constitution ke according, Election Commission ko power di gayi hai superintendence, direction aur control ki election ke time mein through the Representation of the People Act, other rules and orders by the Apex Court and the Election Commission. System governing the Indian electoral process has evolved and continues to do so. Prime Minister Narendra Modi ne bhi violate kiya hai Model Code of Conduct, a directive of the Election Commission that campaigners must not seek votes by invoking the name of the soldier. तो इन्होंने सोल्जर के नाम पे वोट देने के लिए कहा, इन्होंने कहा कि आप वोट सोल्जर को दीजिए. Continuing raids by central agencies targeting only opposition leaders and blatant partisanship of the public broadcaster Doordarshan smack of misuse of power by the incumbent government. The Election Commission is vested with powers to ensure a free and fair election. Supreme Court too made the Election Commission conscious of its own powers once more. So overall, Election Commission ki koi sun nahi raha hai, sab log Model Code of Conduct ko violate kar rahe hain. Election Commission ne 4 leaders ko ban bhi kar diya hai ki wo log kuch haas tak कैंपेनिंग नहीं कर सकते. द लिमिट्स ऑफ पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म मतलब लोगों को मैन्युपुलेट करना. जैसे लोगों को कहते हैं कि वोट, अगर आप लोग हमें वोट करेंगे तो हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होता है पॉपुलिज्म. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट टू ऑफर बायोग्राफिकल सॉल्यूशंस टू स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. What makes an election populist and determines its final transition into populism? Answer can be found by locating the constituent elements of the package. First and foremost, one needs a democratic setup, real or farcical, as the masses are indispensable to populism. Second, a charismatic leader is required, someone seen as an insider outsider in the system offering a therapy for an ailing polity. It denotes a politics of impatience, and democracy and populism are cousins. A charismatic leader mesmerizes the electorate, strikes an emotional chord, and blurs the distinction between the leader and the led. However, a charismatic populist pitch doesn't automatically transcend into populism. Both Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru were charismatic but not populist, as they assumed a guiding role vis-a-vis the people rather than getting subsumed by their world view. Gandhi didn't hesitate to withdraw the non-corporation movement in the aftermath of Chauri Chaura when it gained momentum, and Nehru stood for secularism and scientific rationality in the midst of partitions, mass frenzy. Popular and the populist
can be perfect strangers or bedfellows, and their transition into populism lies in a social, political and electoral mix. तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ऐसा नहीं होता था कि लोगों को मैनिपुलेट करते थे. उन लोगों को जो कंट्री के लिए सही लगता था वो लोग उस टाइम पे वो करते थे, लोगों के बारे में नहीं देखते थे कि लोग क्या समझेंगे. तो वो लोग हेजिटेट नहीं होते थे, उन लोगों को उस सिचुएशन पे जो सही लगता था वो लोग वो करते थे. बट जब से इंदिरा गांधी के टाइम से, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ स्लोगन, तो तब से लेकर अभी तक ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग इलेक्शन के टाइम में मैनिपुलेट करते हैं लोगों को वोट के लिए. तो पॉपुलिज्म स्टार्ट हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम से. इंदिरा गांधीज गरीबी हटाओ स्लोगन बीइंग ट्रू to the saltiness of the turbulent late 1960s and 1970s, she adopted left-wing populism, denouncing her rivals as right-wingers to be called right-wing at the time, implied being anti-democratic, anti-people and anti-poor. That populism made the leader and the led coterminous. It was even proclaimed that Indira is India. तो इंदिरा गांधी के टाइम से पॉपुलिज्म आया है और आज के टाइम में पॉपुलिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका है. A crisis of credibility. While nothing bars the election commission from asserting its authority, it still needs institutional safeguards to protect its autonomy. In 2019 general election, it has come under the scanner like never before in the wake of incidents involving a breach of the model code of conduct, particularly those by the ruling party. On April 8, in a letter to the President of India, group of retired bureaucrats and diplomats in the context of recent incidents expressed concern over the Election Commission weak need conduct and the institution suffering from the crisis of credibility today. तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज के टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतना वायलेट हो रहा है. Points to concern. The letter described the Prime Minister's March 27 announcement of India's first anti-satellite test. तो letter में ये था कि Prime Minister ने 27 मार्च को announce कर दिया था India का पहला anti-satellite test as a serious breach of propriety which amounts to giving unfair publicity to the party in power. Questions were also raised over the launch of Namo TV without license. तो Prime Minister ने announce कर दिया था इंडिया में 27 मार्च को first anti-satellite test के बारे में. तो ये एक तरह से पब्लिसिटी हो गई क्योंकि इन्होंने किसी को भी नहीं बताया और खुद ही अनाउंस कर दिया, और जो क्रेडिट था वो पूरा खुद ले गए. क्वेश्चंस वर आल्सो रेज्ड ओवर द लॉन्च ऑफ नमो टीवी विदाउट लाइसेंस. और एक नमो टीवी चैनल आया है और उसका कोई लाइसेंस नहीं है, ये भी एक टाइप की पब्लिसिटी है. And a biopic on the life of the Prime Minister which was scheduled for release on April 11. और इतने सालों से अभी तक कोई बायोपिक नहीं बनी प्राइम मिनिस्टर पे, और अचानक इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर पे बायोपिक बन रही है और
वो उसका रिलीज शेड्यूल भी अप्रैल 11 है. When elections commenced, the group also requested the election commission to issue directions to withhold the release of all biopics and documentaries on any political personages through any media mechanism until the conclusion of the electoral process. They asserted that the release of such propaganda amounted to free publicity and hence should be debited as election expenditure in the name of the candidate in question. The same standards should also apply to other such propaganda, an example being a web series titled Modi. और एक वेब सीरीज टाइटल भी आया है मोदी पे, कॉमन मैनस जर्नी. तो ये सारे के सारे प्रोपोगेंडा है पब्लिसिटी के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज हाईलाइटेड इन द लेटर इंक्लूडेड ट्रांसफर्स ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ऑडिट्स, वायलेशंस ऑफ द एमसीसी बाय राजस्थान गवर्नर कल्याण सिंह. राजस्थान गवर्नर कल्याण सिंह ने भी बोला कि बीजेपी को वोट कीजिए, तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है क्योंकि गवर्नर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं. फॉर विच द ग्रुप हैज़ रिक्वेस्टेड हिज रिमूवल ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेव मिस डिमेनर एंड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथन. In his speech, he referred to the armed forces as the army of Narendra Modi. Yogi Adityanath ne bhi apne speech mein refer kiya armed forces ko as the army of Narendra Modi. And also corrosion of the political discourse in general. Needless to say, questions being raised about the credibility of the election commission are a cause for worry. It is, however, not the first time that the conduct of commission has been questioned. In its 255th report, the law commission recommended a coalition consisting of the prime minister, leader of the opposition and the chief justice of India, political stalwarts such as L.K. Advani and former chief election commissioners including B.B. Tandon and Gopalaswamy and me supported the idea in the past even when in office. But successive ruling dispensations have dug the issue, not wanting to let go of their power. It is obvious that political and electoral interest take precedence over the national interest. The ethical act of voting. It is the duty of having to act not for individual benefits but for the benefit of the larger society. तो ये duty है कि individual benefit के लिए vote नहीं देना चाहिए, वोट देना चाहिए हम लार्जर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, आप लोगों के स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, कंट्री के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें वोट देना चाहिए. मार्स बेस्ड सिम्युलेटर अनवील्ड इन गोबी डेजर्ट. गोबी डेजर्ट चाइना में है. सी स्पेस दी कंपनी बिहाइंड द प्रोजेक्ट प्लान्स to allow tourists into the currently educational facility in 2020. So, tourist ke liye hai ye project. Great expectations. Mars base one in the Gobi Desert. So, as we can see in this picture, this is the project in Gobi Desert, China. In the middle of China's Gobi Desert sits a Mars base simulator, but instead of housing astronauts training to live on the red planet,
The facility is full of teenagers on a school trip. तो ये facility है teenagers के लिए. Surrounded by barren hills in northwestern Gansu province, Mars Base 1 opened on Wednesday with the aim of exposing teens and soon tourists to what life could be like on the planet. तो ये मार्स बेस वन प्रोजेक्ट गोबी डेजर्ट में है चाइना के. US एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड 11 मंथ्स इन स्पेस. कोच कीन टू सेट वुमेन्स रिकॉर्ड. क्रिस्टिना कोच. तो क्रिस्टिना कोच US एस्ट्रोनॉट है जो 11 मंथ तक स्पेस में स्पेंड कर रही है. So this is the end of the today's news.